दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिराज आईएएस का हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जो हैं अब डेली करेंट अफेयर के जो क्यूज हैं वो भी लेकर के आएंगे, साथ में जो करेंट इश्यूज से जो क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो हिंदू एडिटोरियल से हो या इंडियन एक्सप्रेस से हो या हमारे तमाम जो न्यूज पेपर्स हैं जिसमें कि एडिटोरियल अच्छे अच्छे बनते हो, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, उन एडिटोरियल का एनालिसिस भी हम वीडियो में लेकर के आते रहेंगे। तो आज की वीडियो में जो है हम कुछ क्विज लेकर के आए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो हमारे वन डे एग्जाम के लिए हो या स्टेट एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि ये प्रश्न क्या है। प्रश्न पहला है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 28 अक्टूबर यानी 28 अक्टूबर 2022 से 10 नवंबर 2022 तक सरस खाद्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है और यह कहां किया जा रहा है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, कोलकाता, भोपाल और हैदराबाद। तो देखिए जो ये खाद्य सरस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है यह किया जा रहा है आपके नई दिल्ली में, ठीक है ना? तो इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, प्रश्न अच्छा है। आगे चलते हैं हम और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हमारा। हमारे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि इसके बारे में कुछ चीजें हैं, आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। देखिए सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 28 अक्टूबर 2022 से 10 नवंबर 2022 तक हस्तशिल्प भवन में। कहां? हस्तशिल्प भवन जो है ये नई दिल्ली का हस्तशिल्प भवन है, इसमें किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह यानी SHG की महिलाएं इस उत्सव में भाग ले रही हैं। इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा, ये किसके द्वारा? जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वही इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रही है, भाग ले रही है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। कह रहा है कि सरस फूड फेस्टिवल महिला सशक्तिकरण का एक अनूठा उदाहरण है। इस आयोजन में 18 राज्यों के लगभग 150 महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह के सदस्य भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फगन सिंह कुस्तले ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए सरस उत्पादों के बेहतर और अधिक प्रभावी विपणन के लिए ई कॉमर्स पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। क्लियर? तो यह प्रश्न था। इस प्रश्न का इंग्लिश वर्जन भी है कि वेयर इज द सरस फूड फेस्टिवल 2020 बिगनिंग ऑर्गेनाइज बाई द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट फ्रॉम अक्टूबर 28 2022 to November 10, 2022, ठीक। और यही ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश को हरा करके सुल्तान जोहर कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट जीता है, यानी भारत जो है किस देश को हरा करके सुल्तान जोहर कप जीता है। और ऑप्शन में आपके दिए गए हैं, ऑप्शन में आपका क्या क्या दिया गया है इसको देखिए। मलेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, पाकिस्तान है, ठीक। तो ये जो कप है ये हराया है भारत किसको? ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया को हरा करके सुल्तान जोहर कप भारत जीता है। इस चीज को याद रखिए, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इसे भी आप समझ लीजिए। यह क्या है? करें कि भारत अंडर 21 पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा करके 29 नवंबर को मलेशिया में, यह खेला कहां गया था? मलेशिया में ही खेला गया था, सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है। भारत ने तीसरी बार यह कप जीता है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ये कितनी बार जीता है? तीसरी बार जीता है। इससे पहले भारत जो है 2013 में भी ये कप जीत चुका है, 2014 में भी जीत चुका है और फिर 2022 में जीत रहा है, यानी तीन बार जो है इस कप को जो है
भारत जीत चुका है। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा यह है कि हाल ही में कोटे डी आइबर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? कोटे डी आइबर। यह चीज समझिए, देखिए यह कोटे डी आइबर जो है यह क्या है कि एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देश है, और यहां पे जो हमारा राजदूत नियुक्त किए गए हैं, ऑप्शन ए विकास मल्होत्रा, ऑप्शन बी राकेश यादव, ऑप्शन डी रश्मि रंजन और ऑप्शन डी राकेश रंजन। तो देखिए यही जो राकेश रंजन है इन्हीं को क्या किया गया है कि यहां पे जो है राजदूत नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? राकेश रंजन को। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि देखिए इसमें कुछ खास नहीं था जिससे कि मैं आपको डिटेल में बताऊं। अगला प्रश्न हमारा यह है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? अब देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे जो है हर साल मनाया जाता है 31 अक्टूबर, यानी 31 अक्टूबर को यह डेट मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को एक करने में, यानी जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे यानी देसी रियासतें थी, जो हमारे यहाँ 562 देसी रियासतें थी, उन देसी रियासतों को आजादी के बाद एक करके पूरे देश में उनको समाहित करने का प्रयास किया था, यानी पूरे देश को यूनाइट करने का प्रयास किया था। इसी उपलक्ष्य में इस डे को नेशनल यूनिटी डे के रूप में 2014 से मनाने का क्या किया गया है? शुरुआत किया गया है, ठीक है ना। तो 2014 से हम लोग मना रहे हैं नेशनल यूनिटी डे के रूप में। किसके बर्थडे को? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, आपके गुजरात में बनाई गई है, और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है। इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है कि क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखिए हम अगले प्रश्न में आ रहे हैं। किस शहर में भारत का चुनाव आयोग 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? यानी चुनाव आयुक्त जो है हमारा एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कर रहा है, और किसके लिए? कि चुनाव में जो भी निकाय, जो भी संस्थाएं जो भाग ले रही है, उनकी क्षमता क्या हो, उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था क्या हो, उनको डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए चुनाव आयोग जो है 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जो है यह सम्मेलन कर रहा है। अब यह सम्मेलन कहां कर रहा है? आप देख लीजिए, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी दिल्ली में यह जो है कार्य किया जा रहा है। किसके द्वारा? हमारे चुनाव आयोग के द्वारा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न यह है कि आप चलेंगे तो अगले प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न हमारा यह है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं, चूंकि यह रिपीट हो गया है प्रश्न, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अब इसमें से किसका नाम है? तो देखिए इसमें नाम है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, द्रौपदी मुर्मू और धर्मेंद्र प्रधान। तो जो फीफा के साथ जो एग्रीमेंट किया है वो किए है धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जो है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, यानी भारत के शिक्षा मंत्री है, और यही जो है फीफा के साथ जो है एग्रीमेंट किए हैं। इस एग्रीमेंट में क्या क्या बातें हुई है, इस चीज को थोड़े से हम लोगों को समझने की जरूरत है। क्या हुआ है? देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल
पहल के लिए, यानी फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ 30 अक्टूबर 2022 को मुंबई में, कहां पे? मुंबई में एक जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। फुटबॉल फॉर स्कूल का लक्ष्य खेल एकीकृत शिक्षा के माध्यम से भारत में 25 मिलियन युवा लड़कों और लड़कियों के सशक्तिकरण की बात कही गई है, यानी उनको सशक्त बनाने की बात कही गई है। इसी के लिए ये जो है एग्रीमेंट किया गया है, इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो देखिए, हमारा अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है? ठीक है, यानी महिलाओं के लिए सुरक्षित और अनुकूल पर्यटन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो देखेंगे कि इस तरह की जो चीजें है कौन सा राज्य ज्यादा करता है। अब आप गेस करिए, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क्या है? केरल, मणिपुर, नागालैंड और अगला ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो कौन सा हो सकता है? देखिए, इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा केरल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? केरल, यानी केरल जो है इस तरह का काम करने में आगे रहता है, वही किया है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न यह है कि अगले प्रश्न में हमारे दिया गया है, इसके व्याख्या भी है, इसको देख लीजिएगा, मैं धीरे धीरे इसको कर देता हूं कि हाल ही में एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन कहां पे किया गया? हाल ही में एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल का उद्घाटन कहां पे किया गया? यानी ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी मलेशिया। तो ये हाल ही में एशियन इंडियन स्टार्टअप का उद्घाटन कहां किया गया है? ये किया गया है आपके इंडोनेशिया में। क्लियर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। चलिए इसके बारे में कुछ क्या चीजें हैं थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, करें कि एशियन आसियान भारत समझौते की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 27 से 30 अक्टूबर 2022 तक इंडोनेशिया में आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। ठीक, किया जा रहा है भारत के 20 विशेषज्ञ और 30 स्टार्ट लिस्टेड किए गए हैं स्टार्टअप के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर ने आसियान आर्थिक समुदाय के उप महासचिव श्री सत विंदर सिंह के तथा आसियान के लिए भारत मिशन के राजदूत श्री जयंत खोबरा गड़े की उपस्थिति में ये 27 अक्टूबर से 2022 को बोगोर इंडोनेशिया में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का उद्घाटन किया गया। तो ये प्लेस याद रखिएगा, ये कौन सा प्लेस है? ये प्लेस है आपका बोगोर। ठीक है ना, तो इस बोगोर को याद करिएगा कि इंडोनेशिया के कौन सा प्लेस है, वह बोगोर प्लेस है। क्लियर, अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्या है? हमारा अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में भारत और फ्रांस की वायुसेना द्वारा संयुक्त युद्धा अभ्यास गरुड़ 7 कहां आयोजित किया गया? एक चीज समझिए, देखिए जो भारत और फ्रांस के बीच में जो युद्धा अभ्यास होता है उसका नाम है गरुड़, और ये गरुड़ सीरीज का 7वां युद्धा अभ्यास हुआ है, और ये कहां पे हुआ है? देखिए, पेरिस, जोधपुर, गांधीनगर, चेन्नई। तो ये राजस्थान के जोधपुर शहर में हुआ है। कहां पे हुआ है? राजस्थान के जोधपुर शहर में हुआ है। इसके बारे में कुछ चीजें और समझ लीजिए। देखिए, भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना, यानी ये वायुसेना का अभ्यास है, ये मत समझ लीजिएगा कि ये थल सेना या नौसेना का अभ्यास है, किसका है? वायुसेना का अभ्यास है। तो क्या कह रहा है कि भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायु और अंतरिक्ष बल दिनांक 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर गरुड़ 7 नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रहे हैं। दोनों देशों के बीच इससे पहले 6 युद्धाभ्यास
कुशलतापूर्वक आयोजित हो चुके हैं। यह द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का 7वां संस्करण है। क्लियर? तो ये चीजें जो है आप समझ लीजिएगा, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि बचत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष किसके करें कि बचत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है। एक चीज समझिए, कह रहा है कि बचत के महत्व को, यानी बचत का महत्व क्या है। आप एक चीज समझिए कि जब भी आप कोई भी चीज आप अर्न करते हैं, चाहे आप नौकरी से कर रहे हो, व्यवसाय से कर रहे हो, कृषि से कर रहे हो, या किसी पेशे से कर रहे हो, तो सारी चीजें जो है खा नहीं जाना है, यानी उसको उड़ा नहीं देना है, यानी चरवाक के जीवन पद्धति पर नहीं जीना है। तो चरवाक क्या कहता था? चरवाक कहता था कि ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, डोंट वरी, यानी यावत जीवत सुखम जीवत ऋणम कृत्वा घृतम पिवे भस्मी भूता से देह से पुनरागमन कुत्ता। यानी वो कह रहा है कि जब तक जियो आयस से जियो, पैसा नहीं है तो कर्ज लो और कर्ज लेकर के घी पियो। तो वो जो है बचत के कंसेप्ट पे काम नहीं करता, यानी उसका है कि जब तक जी रहे हो तभी तक सब चीज है, मरने के बाद कुछ नहीं है, इसलिए खा पी करके सब उड़ा दो। लेकिन नहीं, उससे सोसाइटी में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी, सोसाइटी हमारे कैसे चलेगी यदि यही कंसेप्ट हम अपने इन्वायरमेंट में, वातावरण में, परिवार में, देश में ला दे। तो सपोज दैट, मान लीजिए कि हम क्या करेंगे, अपने जितने संसाधन है आज उपभोग करके चले जाएंगे, सारे पेड़ नदियों के जितने संसाधन है उपभोग करके चले जाएंगे, और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको क्या देंगी? गाली देंगी कि कैसे हमारे पूर्वज थे कि सब खा पी करके चले गए और हमारे लिए कुछ नहीं छोड़े। तो इसलिए हमको उपभोग भी करना है और बचत भी करना है, और सब चीज का, पैसों का, संसाधनों का, कल्चर का, हर चीज का बचत करना है, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उससे क्या हो सके, लाभान्वित हो सके। तो देखिए, इसीलिए कहा गया कि बचत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है। तो ये विश्व बचत दिवस जो मनाया जाता है, ये विश्व बचत दिवस जो है मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। कितने अक्टूबर को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कह रहा है कि बचत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 31 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। भारत में इसी दिन क्या कह रहा है कि 1984 में दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु के कारण यह दिन जो है 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब समझिए, अब यह क्या किया जाने लगा कि भारत में 30 अक्टूबर को मनाया जाने लगा। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बचत दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, लेकिन भारत में बचत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को। इस बारे में ध्यान रखिएगा। और क्यों मनाया जाता है? कह रहा है कि 1924 में इटली के मिलान में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय बचत कांग्रेस का आयोजन किया गया था। कब? 31 अक्टूबर को, और इसीलिए यह बचत दिवस मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 31 अक्टूबर को। और इस साल इस बचत दिवस की थीम क्या है? तो इस साल इस बचत दिवस की थीम है सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर्स। ठीक है ना, यानी आपको सेविंग करना है, प्रिपेयर करना है किसके लिए? फ्यूचर के लिए। क्लियर? तो आप चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि प्रतिवर्ष केरल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो क्या हुआ कि 1956 में क्या कि जो प्रांत थे, इन प्रांतों का बंटवारा किया गया कि भारत में जो प्रांतों का गठन किया गया, तो कब किया गया? यानी 1956 में किया गया। और 1956 में जब किया गया तो उस समय केरल जो था ये पहला ऐसा राज्य है कि जो कि उस पहला नहीं सॉरी यानी उस समय जितने भी राज्य बनाए गए उन राज्यों में से एक राज्य है जिसकी स्थापना कब की कर दी गई थी? 1956 में ही कर दी गई थी। तो 1956 में किस डेट को कर दी गई थी? यानी 1 नवंबर। ठीक है ना, ये 1 नवंबर जो है 1956 को उसकी स्थापना कर दी गई थी। इसलिए केरल जो है हर साल
एक नवंबर को अपना क्या मनाता है, स्थापना दिवस मनाता है। और इसी तरह से जितने राज्यों की जिस डेट पे स्थापना हुई है वो हर साल अपना उसी डेट पे अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अब देखिए इसके बारे में देख लीजिए, 1 नवंबर 1956 को आधुनिक केरल को बनाया गया था। प्रतिवर्ष 1 नवंबर को केरल स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। केरल राज्य भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है। केरल राज्य को गॉड ऑफ ओन कंट्री भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है, इस चीज को भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हमारा अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में 5 राज्यों के कितने पुलिस कर्मियों को गृह मंत्री विशेष अभियान पदक से सम्मानित किया गया। तो कितने राज्यों के, अब ये देख लीजिए कह रहा है कि ये 5 राज्यों के, कितने राज्यों के, 5 राज्यों के। अब 5 राज्यों के कितने पुलिस कर्मियों को, ऑप्शन में है 36, 63, सेकेंड ऑप्शन है 69, थर्ड ऑप्शन है 14 और फोर्थ ऑप्शन है 33। तो देखिए 63 यानी 5 राज्यों के 63 पुलिस कर्मियों को जो है क्या किया गया है, गृह मंत्री विशेष अभियान पदक से सम्मानित किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कह रहा है कि विशेष अभियान के लिए 5 राज्यों के 63 पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक प्रदान किया गया। ये पदक प्राप्त करने वाले पुलिस कर्मियों में कहां कहां के हैं, तो इसमें देखिए दिल्ली के है 19, पंजाब के 16, तेलंगाना के 13, महाराष्ट्र के 11 और जम्मू कश्मीर के 4 पुलिसकर्मी जो है क्या है इसमें इन्वॉल्व है, सम्मिलित है। क्लियर। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए किसको भारत की कप्तानी सौंपी है, तो ये कप्तानी किसको सौंपी है, आप यहां से देखिए, शिखर धवन, विराट कोहली, अर्जुन तेंदुलकर और हार्दिक पांड्या। तो अब बीसीसीआई क्या कर रही है, देखिए बीसीसीआई के पास जो है आईपीएल आने से अब खिलाड़ियों की संख्या बढ़ गई। अब जब खिलाड़ियों की संख्या बढ़ गई तो हर देश के लिए, हर सीरीज के लिए अब बीसीसीआई जो है अलग अलग टीम बना करके भेजती है और अलग अलग लोगों को कैप्टनशिप दे रही है, जिससे क्या हो, अधिक से अधिक लोगों में नेतृत्व की क्षमता डेवलप हो, जब हमारे कैप्टन की जरूरत हो हम कहीं से कैप्टन उठा ले। तो इसलिए इस श्रृंखला के लिए हार्दिक पांड्या को क्या किया गया है कि उस टीम का कप्तान बनाया गया है न्यूजीलैंड में, जो श्रृंखला खेलने के लिए भारतीय T20 ये टीम जो जाएगी। क्लियर। तो इसको याद रखिएगा, कभी प्रश्न उठा करके पूछ देगा। अगला प्रश्न हमारा यह है कि किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीत हासिल की। तो वह कौन सा देश है जिसने कह रहा है कि फीफा 17 महिला विश्व कप हासिल की। ऑप्शन में है फ्रांस, स्पेन, रूस और भारत। देखिए इसमें क्या है कि स्पेन जो है कोलंबिया को हरा करके और फीफा जो है अंडर 17 जो है क्या किया है, जीत लिया है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। कह रहा है कि स्पेन फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का फाइनल मैच में पहली बार पहुंची, देखिए पहली बार पहुंचा और कोलंबिया को हरा करके ये कप क्या किया, जीत लिया। क्लियर। तो ये चीज है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है इसको हम देखते हैं। देखिए कह रहा है कि हाल ही में WHO द्वारा जारी की गई ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में कुल कितने टीबी के मामले नोटिफाई किए गए थे। अब देखिए भारत में जो टीबी के मामले हैं ये 2021 में कितने नोटिफाई किए गए हैं, इस चीज को देखिए। कह रहा है कि 21.4 लाख, 1.4 लाख, 71.4 लाख एंड 11.4 लाख। तो कितने किए गए हैं, यानी किए गए हैं 21.4 लाख और ये 2020 के मुकाबले ज्यादा है, यानी बढ़ गए हैं। तो अब इसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए क्या बढ़े हैं। कह रहा है कि 21.4 लाख WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2021 में कुल 21.4 लाख टीबी मरीजों के मामले नोटिफाई किए गए थे, जो 2020 की तुलना में 18% अधिक है। अब आपको कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ देगा, यहीं पे क्या पूछा गया, पूछ लेगा कि क्या 2020 के मामलों के तहत यदि जो रिकॉर्ड किए गए हैं 2021 में टीबी के मामले घटे हैं कि बढ़े हैं, यदि आप इसको जानते हैं
तो कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी 2020 के मुकाबले 2021 में टीबी के मामले बढ़ गए हैं, और वो भी कितने, 18%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न ये है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड के लिए कितने डॉलर का योगदान देगा। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए या आतंकवाद के खिलाफ मिशन भेजने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सेना है यानी शांति सेना है उसके लिए फंड की जरूरत होती है, और हर देश उसमें अपना योगदान देते हैं, यहां तक कि कुछ पैसे दिए जाते हैं, सेनाएं भेजी जाती हैं। अब इसी बात को पूछा गया तो भारत जो है कितना उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑप्शन ए $9,00,000, ऑप्शन बी $5,00,000, ऑप्शन सी $7,00,000, ऑप्शन डी $4,00,000। तो ये कितने जो है दे रहे हैं, तो भारत जो है $5,00,000 जो है इसमें क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, कौन सी कंपनी हाल ही में मेटावर्स पर अर्निंग कॉल पोस्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो कह रहा है कि मेटावर्स पर अर्निंग कॉल पोस्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, ये कौन सी कंपनी है, देखते हैं। ऑप्शन ए डीमार्ट, ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑप्शन सी भारती एयरटेल, और ऑप्शन डी वोडाफोन आइडिया। तो देखिए ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है यही कंपनी क्या बन गई है, कि मेटावर्स पर अर्निंग कॉल पोस्ट करने वाली पहली कंपनी इंडिया की बन गई है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इसको ध्यान से आप लोगों को देख लेना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन ए जायरो बोल्सोनारो, ऑप्शन बी एंटोनियो ब्रिटो, ऑप्शन सी लुइज नाइसियो लुला डी सिल्वा, और डी गोलाडो अल्किमिनन। तो देखिए ये जो पहले राष्ट्रपति थे इसके, अब ये बोल्सोनारो के बाद जो है ये आ गए हैं, जो ये भी पहले राष्ट्रपति थे लुला डी सिल्वा, इन्हीं को जो है फिर से यहां का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है आज 19 क्वेश्चंस जो थे करंट अफेयर्स के डेली के क्वेश्चंस जो आएंगे हमने इसको कंप्लीट कराया। ऐसे ही डेली के डेली क्वेश्चंस जो है हम कराते चले जाएंगे, और इसके साथ ही हमने कहा कि सोशल इश्यू से जितने भी एडिटोरियल से रिलेटेड या जो भी हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाओं से रिलेटेड कोई भी मुद्दा आएगा तो हम आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जो प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, मेंस के लिए उससे क्या चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, इंटरव्यू के लिए हमारे लिए क्या चीजें महत्वपूर्ण हो, उन सारे चीजों को हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ मित्रों के बीच में इसे शेयर भी करिएगा जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हम लोगों का ये कार्यक्रम पहुंच सके। जय हिंद, धन्यवाद।